बिल्डिंग के कलर लाइटें चेंज हो रही है, इसकी अच्छी लग रही है। तो आज देखो, आज मैं जद्दा में आया हूँ, जद्दा कॉर्निश। तो सेंटर पॉइंट की सेल देखो माशाल्लाह। अरे नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा काम पहले न्यूज़पेपर में निकलवाओ, उसके बाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है, जद्दा के हवाले से है कि मैं जा रहा हूँ जद्दा, क्योंकि मुझे कुछ पासपोर्ट पे काम कराना था अपने। तो यहाँ पे मदीने में गया था, जो पिछली वीडियो में देखा आपने, तो उन्होंने मना करते, बोले आप जा करके जद्दा बात करो CVC से, वहाँ पे अगर कुछ करेक्शन हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस बताया उसने, तो मैं बता देता हूँ आपको बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। पूरी वीडियो देखना। और उसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म चाहिए होता है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनकी, लिखेंगे इंडियन एम्बेसी जद्दा, तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके वहाँ पे जा सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। जैसे ये है मेरे पास, तो मेरी 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो इसमें सब कुछ दे रखा है उन्होंने, आपको ऑनलाइन सब कुछ फिल करना पड़ेगा। अगर आप खुद से कराना चाहते हैं तो खुद से, नहीं तो वो खुद कर देंगे, उसके पैसे लेंगे अलग से। तो अभी रात के बज रहे हैं 5:30, तो मैं जाऊँगा बस स्टैंड साहब को, तो वहाँ से मिलेगी टैक्सी इंशाल्लाह। मेट्रो का मेरे रेलवे स्टेशन पर रेलवे का पता किया, तो वहाँ पे आ रहा है टिकट 220 रियाल हुआ, इतने में तो लोड फेयर हो जाएगी भाई, एक तरफ का किराया इतना है। तो मैं आ गया हूँ अभी नकल जमाई, यानी रोडवेज बस स्टैंड पर, यहाँ से मिलेगी टैक्सी। ये हरम के बिल्कुल अपोजिट है, 25-26 नंबर गेट है। जद्दा शुरू होने से पहले पहाड़ नहीं है बिल्कुल, जद्दा में बहुत कम पहाड़ है, लेकिन मदीने में माशाल्लाह बहुत पहाड़ है, हर जगह चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे, किसी भी रास्ते से निकलोगे भी आप हाई, खासकर हाईवे पे। लेकिन जद्दा में नहीं है, जद्दा में पूरा प्लेन दिखा के नहीं दिखाई। भाई मैं ऑफिस में तो पहुँच गया, अभी देखता हूँ यार 3:30 घंटे में आ गया मैं यहाँ पे जद्दा माशाल्लाह। अभी ऑफिस जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखो जी, कर दिया मैंने, अरे नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा काम पहले न्यूज़पेपर में निकलवाओ, उसके बाद में होगा। तो इंशाल्लाह जब इंडिया जाएंगे, जब करेंगे इस काम को, तो चलो अब चलते हैं जद्दा घूमने, ठीक है। जद्दा घुमाते हैं आपको, देखते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। 5 साल के बाद आया हूँ तकरीबन मैं, तो देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है जद्दा में, बहुत कुछ चेंज हो चुका है माशाल्लाह। तो देखते हैं अपने रोवी के बन, ये होम सेंटर है। चलो शॉपिंग मॉल दिखाते हैं, सेंटर पॉइंट और ये होम सेंटर, ये मॉल में आए हुए आ गए। तो सेंटर पॉइंट की सेल देखो माशाल्लाह। आज मैं आया था अपने दोस्त के पास घूमने के लिए, तो मन के चलो मॉल दिखा देता हूँ आपको, सेंटर पॉइंट। वो फिटिंग अच्छी है इसकी, रेगुलर फिट है ये, थोड़ा बड़ा है ये। आज देखो, आज मैं जद्दा में तो आया हूँ जद्दा कॉर्निश, दिखाते हैं कुछ मंजर आपको, ठीक है। सामने बिल्डिंग चमक रही है, तो लाइटें चेंज हो रही है। इसके पीछे वो समंदर है पूरा, अच्छा हाँ, ये तो अभी बनाया ना इन्होंने, उसका अगर रेड सी है तो रेड सी पर बीच ये है। वो टावर देखो जी, जद्दा कॉर्निश पे जिससे हेलीपैड तक बना हुआ है, देखो जी ये है जद्दा कॉर्निश। देखो माशाल्लाह बिल्डिंग का कलर देखो कैसे चेंज हो रहा है, लाइटें लगी हुई इसके अंदर, इस तरह से चेंज हो रहा है। ये जद्दा कॉर्निश जी माशाल्लाह, देखो काफ़ी लंबा चौड़ा जद्दा के, ये जद्दा जो समंदर है उसके किनारे किनारे पर बनाया हुआ है।
कॉर्निश घूम के आ गए हैं, अभी खाने के लिए बैठे हैं मकाम में। ठीक है, चलते चलते थक गए, इतना लंबा चौड़ा बना दिया इन्होंने, अभी तो हम आधा भी नहीं घूमे। मेरे बाद इन सर गए। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।